बाहर निकल कर रखा, वहीं ब्राह्मण रीति में कृष्ण वहीं पर खेल रहे। इसलिए गुरुदेव जब यहाँ पर आते थे, जब कम लोग होते थे ना, यहाँ पर खूब लौट पाट खाते थे। और रेती एक जैसे बच्चे लोग बचपन में आनंद कर लेते ना, ऐसे दूसरों को रेती फेंकते थे, लौटते खाते थे। यहीं पर गुरु जब रोज आते थे, यहीं पर कृष्णा गुरुदेव साथ में लेकर आते थे। इसलिए इसका नाम है रमण रीति। रमण रीति एक नहीं, रमण रीति वृंदावन में भी है एक। हाँ, इसलिए कृष्णा जब तीन साल दो महीना तक कृष्णा जितने जितने लीला की है, कृष्णा सबके सब यहीं पर लीला की, यहीं पर ही कृष्णा सखाओं को साथ में, यहीं पर एक दिन खेलते खेलते कृष्ण बलराम ने बोले, जब जब हमारे पर कोई विपत्ति आ जाए ना, मैया गोमूत्र और गोबर लेकर के हमको स्नान कराते हैं। भैया इसमें क्या है चीज़, क्यों हमको ऐसे करते हैं? बोले हम स्वयं आज शरीर में लगा कर देखेंगे। कृष्ण बलराम वहाँ पर गए, जितने गोबर गोमूत्र सबके सब लेकर के पूरा शरीर को पोत कर ऐसे बैठे गए। भैया दोनों दुष्ट गए कहाँ? अभी तक तो स्नान कराया, श्रृंगार कराया। बोले कनुआ बलुआ तुम कहाँ हो? बोले हम यहाँ। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? भैया जा करके देखा, थोड़ी देर पहले जो स्नान कराया था, श्रृंगार कराया था, सब मीठ मीठ कर लगा दी। बस मैया दोनों कान पकड़ कर बोले क्या तुम सुकर असी गत पुतना रे? हे पुतना कह रही, क्या तुम पूर्व जन्म में सुअर थे? सुअर का काम होता है लौट पुट खाना। हाँ, कृष्ण बोले हाँ सुअर तो था, लेकिन तेरे को पता कैसे? हाँ, इसलिए सत्यजुग में सत्य भरा हुए ना, मेरा सत्यजुग में भरा हुए, पर तेरे को कैसे पता चला? इसलिए कहते हैं यहाँ पर श्री सुखदेव उसमें वर्णना करते हैं, जैसे सर्प जैसे मिट्टी के ऊपर ऐसे चलते हैं ना, कृष्ण ऐसे ही ये ब्रज रज के ऊपर में, कृष्ण ऐसे ही कृष्ण ब्रज रज के ऊपर, कृष्ण ऐसे सर्प जैसे लेटा फूटा करते थे। कहते थे ब्रज रज की कितने महत्व है, हम सुन रहे थे ना ब्रह्मा शिव नारद भी कि ब्रज रज के लिए वो भी तरसते हैं। इसलिए हम इसलिए यहाँ पर आए केवल इसी काम के लिए। यहाँ के अभी भी वो चरण धूल यहीं पड़ा हुआ है, यहीं पर है कृष्णा तीन साल दो महीना तक, यहीं पर उन्होंने जितने लीला की यहीं पर की। जैसे रमण रीति की जय। चलो।